अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से बिल्डिंग रेस्टफुल एपीआई यूजिंग ल्यूमन 5.5 की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज ये हमारा ल्यूमन 5.5 की सीरीज़ का दूसरा हिस्सा मतलब पार्ट टू है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम HTTP राउटिंग के बारे में कि ल्यूमन के अंदर राउटिंग हम कैसे कन्फिगर करते हैं और किस फोल्डर में राउटिंग के फाइल मौजूद होती है वो देखेंगे। तो इससे पहले कि मैं अपने वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आपकी यूट्यूब ऐप या आपके ईमेल में आपको मिल जाए और आप अप टू डेट रह सकें मेरी आने वाली वीडियोज़ या आने वाली सीरीज़ के साथ। सो थैंक यू वेरी मच, चलते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि ये हमारा पार्ट टू है ल्यूमन 5.5 की सीरीज़ का, और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि राउटिंग क्या होती है और कैसे हम ल्यूमन के अंदर राउटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपने मेरी सीरीज़ जो लारावल 5.54 की है वो अगर आपने देखी हो या आपने मेरे जो लारावल 5.5 के न्यू फीचर्स हैं वो देखे हैं तो उसमें आपको काफ़ी आइडिया हो चुका होगा कि राउटिंग कैसे काम करती है। लेकिन जो ऐसे यूज़र जो जस्ट ल्यूमन को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको लारावल 5.4 या लारावल 5.5 नहीं सीखा, तो उनके लिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा। तो राउटिंग पे चलने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा दूँ जो ल्यूमन में है, वो ये कि अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट पे या टर्मिनल पे PHP आर्टिसन लिख के एंटर करें, PHP आर्टिसन या लिस्ट या हेल्प लिख के एंटर करेंगे तो आपको सबसे पहले जो चीज़ मिलेगी उसका आपका लारावल फ्रेमवर्क का वर्जन मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो अवेलेबल कमांड्स हैं वो बहुत कम कमांड्स हैं एज़ कम्पेयर टू जो लारावल का फुल पैकेज है लारावल 5.4 या लारावल 5.5। उससे यहाँ पे कमांड्स बहुत ही कम है, जैसे मेक की सिर्फ दो कमांड अवेलेबल है, ना ही इसमें आप कंट्रोलर मेक कर सकते हैं, ना ही आप इसमें मॉडल मेक कर सकते हैं, ना ही आप इसमें इवेंट्स लिसनर वगैरह क्यूज वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। सब कुछ आपको मैन्युअली करना होगा क्योंकि ल्यूमन एक रेस्टफुल API फ्रेमवर्क है और इसीलिए इसको लाइट वेट भी कहा जाता है कि इसमें ऐसी चीज़ें जिनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं और उनकी ज़रूरत भी नहीं उनको ख़त्म कर दिया गया। माइग्रेशन ज़रूरी है ताकि आपकी अपनी जो माइग्रेशन है वो अप डाउन और रिफ्रेश रीसेट रोल बैक वगैरह उसको कर सकें, तो इसलिए उसको माइग्रेशन को पार्ट ऑफ आर्टिसन रखा गया, लेकिन बाकी चीज़ें जैसे मेक कंट्रोलर मेक मॉडल उनको निकाल दिया गया। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अगर आप ल्यूमन सीखते हुए मेक कंट्रोलर करें और रखें जी कंट्रोलर क्यों नहीं क्रिएट हो रहा, तो वो क्रिएट नहीं होगा क्योंकि आर्टिसन के अंदर ये कमांड्स अवेलेबल ही नहीं है। आपको सिर्फ इन कमांड्स के साथ गुजारा करना होगा। हाँ, अगर आप उनको ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक पैकेज है जो आप इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद आर्टिसन कमांड जो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी और आप उनको यूज़ कर सकेंगे मेक कंट्रोलर मेक मॉडल वगैरह को, लेकिन दैट इज़ नॉट द स्कोप ऑफ दिस ट्यूटोरियल सीरीज। आई विल डिस्कस, मैं इसको डिस्कस करूँगा एट द एंड कैसे करते हैं उसको। तो ये था हमारे पास छोटा सा इन्फॉर्मेशन, छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैं शेयर करना चाह रहा था कि आर्टिसन कमांड में कहीं आप परेशान ना हो अगर आपने मेरे लारावल 5.4 के ट्यूटोरियल सीरीज़ को फॉलो किया और आप कहें कि ये कंट्रोलर क्यों नहीं क्रिएट हो रहा, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो अब चलिए चलते हैं राउटिंग की तरफ। तो राउटिंग भी आप देख सकते हैं बहुत ही लेस इसमें हेडेक है। इसमें बेसिकली आपके पास बेसिक राउटिंग है, फिर राउट पैरामीटर्स हैं, नेम राउट हैं और राउट ग्रुप्स हैं। सो दीज फोर आर द मेन कॉन्सेप्ट्स इन HTTP राउटिंग इन ल्यूमन 5.5। सो बेसिक राउटिंग क्या है? बेसिक राउटिंग ये है कि आप जो राउटिंग वाली फाइल है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि राउटिंग वाली फाइल बेसिकली होती कहाँ पर और उसको डिफाइन कहाँ पर किया गया। अगर यहाँ पे आप ओपन करें अपने, मैंने यहाँ पे लोड किया हुआ फोल्डर को L5 API को, इसमें राउट्स का एक फोल्डर है और राउट्स के अंदर web.php फाइल के अंदर आपने सारे राउट डिफाइन करने हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप राउटर ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, जबकि लारावल 5.4 और लारावल 5.5 में हम यूज़ करते हैं राउट क्लास, राउट क्लास फिर कॉलन कॉलन और फिर आगे मैथड नेम लिखते हैं, जबकि इसके अंदर ल्यूमन के अंदर हम ऐसा नहीं करते। इसके लिए हमें राउटर का एक ऑब्जेक्ट दिया गया जिसको हम यूज़ करते हैं अपनी राउट वाली फाइल में, जो कि web.php है राउट्स के फोल्डर के अंदर ल्यूमन 5.5 में। तो इसका जो डिफ़ॉल्ट राउट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है वो उसके साथ फंक्शन लिखा हुआ है, फंक्शन के साथ लिखा हुआ है यूज़ राउटर। कुछ के लिए ये चीज़ नहीं होगी, कुछ के लिए ये पता होगा कि कई यूज़र्स को, जिनको नहीं पता उनको मैं ये बताता चलूँ
कि यूज़ बेसिकली ऐसे वेरिएबल्स को या ऐसे ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करने के लिए स्टेटमेंट यूज़ की चाहिए जो ऑलरेडी डिफाइंड हो, मतलब ये रन टाइम पे नहीं होता, ये डिज़ाइन टाइम पे ये राउटर वेरिएबल डिफाइंड होना चाहिए, जो भी ये वेरिएबल है तब वो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं गलत हूँ तो जिनको ऑलरेडी पता है वो काइंडली नीचे कमेंट में मैसेज में मुझे करेक्ट कर दें कि अगर मैंने ये रॉन्गली एक्सप्लेन किया कि राउट यूज़ जो मेथड है ये बेसिकली सेम जैसे आप नेम स्पेसेस यूज़ करते हैं वो वैसा ही यूज़ है यहाँ पे उसका, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे आपने जो ऑब्जेक्ट या वेरिएबल आपने डिफाइन किया है उसी को सिर्फ यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे उसकी एक एग्जांपल भी दे देता हूँ आपको। तो जैसा कि हमें पता है कि हम राउटर को यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पर मैं कैट के मैथड को कॉल करता हूँ, स्लैश फू लिख देता हूँ, उसके बाद मैं लिखता हूँ फंक्शन यूज़। अब यहाँ पर मैं आर्गूमेंट्स का एक वेरिएबल ले लेता हूँ राइट, और फिर उसके बाद मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे रिटर्न आर्ग्स करूँ, दो बेसिकली इसको आर्गूमेंट्स रिटर्न करने चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी पैरामीटर्स नहीं है, सिर्फ स्लैश लिखा हुआ है, यहाँ पे स्लैश को लिखा हुआ है। मैं इसको अपने ब्राउज़र में यहाँ पे अगर रन करूँगा L5 API/foo, तो देखिए यहाँ पर एरर आएगा, एरर अनडिफाइंड वेरिएबल आर्गूमेंट्स। तो यूज़ बेसिकली सेम लाइक कम्पैक्ट है या यूज़ लाइक यूज़ यू नीड टू यूज़ अ नेम स्पेस, तो उस तरीके से आप अब यहाँ पे एक वेरिएबल बना दें। जैसे सपोज मैं आर्ग्स का एक वेरिएबल बना देता हूँ, उसको हेलो वर्ल्ड कह देता हूँ। अब मैं जब रन करूँगा तो अब ये एरर नहीं आएगा बल्कि वो हेलो वर्ल्ड का मैसेज आएगा जो मैंने यहाँ पर दिया। अगर मैं अब यहाँ पर वेलकम कर देता हूँ, आर्ग्स इज इक्वल टू वेलकम, इसको रन करूंगा, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड इक्वल साइन एक्सपेक्टिंग कॉमा, और मतलब आप इस यूज़ के साथ आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ नहीं कर सकते, कॉमा यूज़ कर सकते हैं, मतलब दो वेरिएबल्स आप पास कर सकते हैं, तीन चार पाँच जितने करना चाहें कर सकते हैं। तो ये बेसिकली यूज़ का मैथड है, अदरवाइज इसके अलावा इसका कोई यूज़ नहीं है। तो ये है हमारे पास बेसिक राउटिंग राइट। आप सिंपल रूट राउट का नाम लिखें, जैसे मैंने ये लिखा और रिटर्न हेलो वर्ल्ड कर देता हूँ सिंपल। तो अब मैं जब इसको रन करूँगा तो हमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नज़र आएगा, ये सिंपल राउट की वजह से। तो इसके बाद हमारे पास जो ये होता है बेसिक राउटिंग, आप यहाँ पे इसकी एग्जांपल देख सकते हैं, ये गेट भी हो सकता है, पोस्ट भी हो सकता है, और इसके अलावा ये हमारे पास 6 के करीब राउट्स हैं, मैथड्स हैं। पहला गेट है, फिर पोस्ट है, फिर पुट है, पैच डिलीट और ऑप्शन है। पहला इसका पैरामीटर होता है URI, किस URI पे आप उसको एक्सेस करना चाह रहे हो, किस कॉल बैक फंक्शन को, जो कि कंट्रोलर भी हो सकता है, और उसके अलावा आपका एनोनिमियस या इनलाइन फंक्शन भी हो सकता है। वो आप यहाँ पे इनको पैरामीटर के तौर पे दे सकते हैं। इसके एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको दे दी कि ये जो फू है ये URL है, ये URL है, और ये जो फंक्शन मैंने लिखा है ये एनोनिमियस फंक्शन है या इनक्लोजर फंक्शन है। तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा जैसे मैं इस URL को हिट करूँगा, तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और हमें ये वाली वैल्यू रिटर्न हो जाएगी सिंपल। नेक्स्ट जब हम कंट्रोलर पे जाएंगे तो यहाँ पे जहाँ पे हमने फंक्शन लिखा है ये हम कंट्रोलर को यहाँ पे डिफाइन करेंगे, वो आगे चल के हम देखेंगे। अभी फिलहाल हम इसको राउटर को राउट्स को डिफाइन करना सीखते हैं। तो ये हमारे पास होगी बेसिक राउटिंग। फिर होती है राउट पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या होते हैं? पैरामीटर्स जस्ट लाइक आप वेरिएबल को जब कोई चीज़ असाइन कर देते हैं, मतलब जब आप लिख देते हैं वेरिएबल 1 = 3, तो आपने क्या किया, एक पैरामीटर बना दिया उसको, राउट को एक वैल्यू असाइन कर दी। इसी तरीके से राउट्स के अंदर भी आप पैरामीटर्स डिफाइन कर सकते हैं ताकि एक URL के बाद अगर कोई वैल्यू देते हैं वो वैल्यू ला जो हमारा फ्रेमवर्क है लूमेन उसको फेच करेगा और उसको एज इट इज़ डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे अगर उसकी डेफिनेशन में देखें कहता है ऑफ कोर्स समटाइम यू विल नीड टू कैप्चर सेगमेंट्स ऑफ द URI विद इन योर राउट। फॉर एग्जाम्पल यू मे नीड टू कैप्चर अ यूज़र ID फ्रॉम द URI, यू मे डू सो बाई डिफाइनिंग राउट पैरामीटर्स। मतलब समटाइम अगर आपने यूज़र की किसी भी जैसे सपोज मैं यहाँ पे एक यूज़र को ये एक मैंने राउट बनाया यूज़र का, अब ये क्या रिटर्न करेगा, ऑल यूज़र्स लिस्ट रिटर्न करेगा ठीक है। सपोज यहाँ पे मैं यूज़र लिखूँगा यूज़र्स, तो ये मुझे रिटर्न करेगा सॉरी गेट यूज़र, और यहाँ पे मैं यूज़र्स लिख दिया सॉरी यूज़र, तो ये मुझे रिटर्न करेगा ऑल यूज़र्स की लिस्ट। लेकिन अगर मैं सपोज़ किसी एक स्पेसिफिक यूज़र की ID के मुताबिक उसका डाटा फेच करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, तो ये वाला आर्गुमेंट अब ये एज अ पैरामीटर यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो लारावेल के अंदर इसके लिए जो तरीका है वो ये है कि इसको अगर आप 1 को यहाँ पर यूज़ करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर उसका नाम दे देंगे, सपोज उसका वेरिएबल नेम दे देंगे, और उसी वेरिएबल नेम को
फॉर सिक्योरिटी फॉर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे कॉल कर लेंगे, ऐड कर देंगे। तो अब जो चीज़ भी यहाँ पे इस कर्ली ब्रेसेस में यूज़र के बाद आप कोई भी स्लैश लगा के चीज़ पास करेंगे तो इस आईडी वेरिएबल को चली जाएगी और वो इस क्लोजर फंक्शन या एनोनिमस फंक्शन में चली जाएगी और फिर हम उसको यहाँ पे फेच कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे मैं अब रिटर्न आईडी करता हूँ, तो अब यहाँ पे मैं चूँकि ये इस एरर इसलिए आया क्योंकि ये हमने जो पहली इसकी टर्म है रिक्वायर्ड पैरामीटर यूज़ किया है, तो कर्ली ब्रेसेस का मतलब है कि ये रिक्वायर्ड है, इसके बगैर वो इसको एक्सेस नहीं कर रहा, इसलिए वो हमें बता रहा है नॉट फाउंड HTTP एक्सेप्शन। तो सिंपली मैं यहाँ पे वन लिख देता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसने वन रिटर्न कर दिया। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ तो ये वही चीज़ यहाँ पे रिटर्न कर देगा। कुछ भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो दैट आईडी वेरिएबल होल्ड दैट इंफॉर्मेशन। अब ये क्या है, ये है रिक्वायर्ड, मतलब ये हमने देनी ही देनी है, इसके अलावा कोई जो हमारे पास ऑप्शन नहीं है अगर हमने इस यूजर URL को एक्सेस करना है। सपोज अब मैं यहाँ पे एक और रूट बनाता हूँ सेम यूज़र, लेकिन यहाँ से मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, ये भी ख़त्म कर देता हूँ और इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल यूजर्स फ्रॉम लिस्ट। अब हमारे पास दो राउट सेम तरीके के बन गए, तो ये एक्सेस हुआ। अब मैं इसको यूज़र करता हूँ तो ऑल यूज, देखिए ये दो अब डिफरेंट राउट्स हैं, ये विद पैरामीटर और ये विदाउट पैरामीटर, राइट। लेकिन सपोज इस तरह लिखने का हमें फ़ायदा क्या हुआ, ठीक है, इसका हमें मतलब इस तरह अगर हमारे ये तो एक राउट है, अगर हम मल्टीपल राउट बनाएंगे तो हर राउट को डबल करेंगे, नहीं, इसकी कुछ सोल्यूशन होनी चाहिए। तो इसकी सोल्यूशन ल्यूमन या लारावेल में हमें यह है कि हम ऑप्शनल पैरामीटर भी दे सकते हैं, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं, उसके बाद ऑप्शनल वैल्यू, जैसे मैं इसको ख़त्म करता हूँ यहाँ से, और इस पूरे पैरामीटर से स्लैश से लेकर इस आईडी तक इसको एक स्क्वेयर ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ। ऐसे ऐसे करने के बाद हमें जो आईडी है उसको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ मैं, जीरो मस्ट देनी होती है ताकि उसको पता हो कि चले मैं आपको दिखाता हूँ अगर हम नहीं देते तो क्या होता है। आईडी दी, अब मैं इसको रन करता हूँ, तो अब आप यहाँ पे दे सकते हैं टाइप एरर टू फ्यू आर्गूमेंट टू फंक्शन क्लोजर, तो वो उसको कह रहा है टू फ्यू आर्गूमेंट। अब मैं यहाँ पे वन दूंगा तो इट विल वर्क फाइन, बट ये जो एरर आ रहा है ये एरर नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू जीरो दे देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमारा एरर ख़त्म हो जाएगा और हमारा जो वैल्यू है बाई डिफ़ॉल्ट अगर कोई वैल्यू नहीं देंगे तो वो ज़ीरो होगी। तो आप यहाँ पे चेक लगा सकते हैं इफ़ आईडी इज़ इक्वल टू ज़ीरो या फॉल्स है, ज़ीरो भी कह सकते, स्ट्रिंग है ये बेसिकली, तो इफ़ आईडी इज़ इक्वल टू ज़ीरो रिटर्न नो पैरामीटर्स गिवन एल्स रिटर्न आईडी सिंपल। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखें आप कोई भी आईडी नहीं देंगे तो नो पैरामीटर्स गिवन आएगा, और अगर आप यहाँ पे कोई आईडी देंगे तो वो आईडी यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये फ़र्क होता है नेम सॉरी रिक्वायर्ड पैरामीटर में और ऑप्शनल पैरामीटर, ये अभी हम यूज़ कर रहे हैं ये ऑप्शनल पैरामीटर है, और अगर हम ये स्क्वेयर ब्रैकेट्स ख़त्म कर देंगे तो इट विल बिकम रिक्वायर्ड पैरामीटर, ठीक है। तो ये था हमारे पास रिक्वायर्ड पैरामीटर, और इसके बाद है इन दोनों के बाद है रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन को समझना एक डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन अगर आप इसको देखना चाहते हैं नेट पे आप रेगुलर एक्सप्रेशन को देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं ये समझा देता हूँ आपको कि रेगुलर एक्सप्रेशन आपकी जो की स्ट्रोक्स होते हैं जो आप चीज़ टाइप करते हो उसको चेक करते हैं कि आया वो इस प्रॉपर फॉर्मेट में मौजूद है जिसमें हम इंटर जिसमें वो एक्सपेक्ट कर रहा है URL या जो डाटा वो एक्सपेक्ट कर रेगुलर एक्सप्रेशन उसी में ही वो उसी फॉर्मेट में है या नहीं। सपोज आईडी, अब जैसे कि आपको पता है आईडी सिर्फ और सिर्फ नंबर्स हो सकती है, नो डाउट देर आर सम आईडीज वेयर यू कैन यूज अल्फाबेट्स एज वेल, लेकिन सपोज हम कहते हैं कि आईडी सिर्फ नंबर है, अदर देन नंबर यू कैन नॉट इंसर्ट एनीथिंग। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक कॉलन लगाएंगे, फिर स्क्वेयर ब्रैकेट्स यूज करेंगे और इसके अंदर डिफाइन करेंगे, जैसे मैं 09 लिख देता हूँ और प्लस। अब इसका मतलब है कि 0 से 9 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, प्लस उनका कोई भी कम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन उसके अलावा कोई चीज़ ना, कोई स्पेशल करेक्टर ना कोई अल्फाबेट ना कोई और स्पेशल की। इसको चेक करते हैं, यहाँ पे ये मैंने इसको नंबर लिखा हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर ये करेक्टर ऐड कर देता हूँ तो ये देख सकते हैं नो फाउंड HTTP एक्सेप्शन। अब इसको भी हैंडल करने का तरीका होता है कि आप एक्सेप्शन जो आपके पास, अगर मैं आपको दिखाऊं ये मैंने लारावेल 5.4 के ट्यूटोरियल में भी आई थिंक समझाया, यहाँ पे ये आपका जो हैंडलर है
बेसिकली ये थ्रो करता है इस एरर को, इसको हैंडल करना हम नेक्स्ट देखेंगे आगे चल के। तो खैर एनीवेज ये था हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन के 0 to 9। अगर हम सिर्फ ए टू जी और ए टू जी देना चाह रहे हैं, अब हमारा जो पैरामीटर आईडी का वो सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। फिर नो एक्सेप्शन आएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे नंबर दूंगा फिर भी नो एक्सेप्शन आएगा। अगर सिर्फ अल्फ़ाबेट्स दूंगा तो हमारे पास नो पैराम। अब ये नो पैराम गिवेंस क्यों है, क्योंकि आईडी इज़ इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो है। इफ़ आईडी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन आईडी तो ज़ीरो नहीं है यहाँ पे, ए टू जी यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन में ए टू जी। और यहाँ पे अब हम इसको ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि ये अब सॉरी रिक्वायर्ड पैरामीटर हो गया, ये अब वो नहीं रहा अपना, ऑप्शनल नहीं रहा। तो अब हम इसको ऐसे करेंगे, तो ये रिक्वायर्ड पैरामीटर है। तो अब हमारे पास वो वैल्यू रिटर्न होगी। अगर मैं नंबर एंटर करूँगा तो एरर आएगा, कोई और करेक्टर स्पेशल करेक्टर भी नहीं ऐड कर सकता। सिंपल आप उसमें जैसे ये लिख सकते हैं, इस पर भी एरर, क्योंकि स्पेस स्पेस भी अलाउ नहीं है। तो ये देखें आप इस तरीके, मतलब उमूमन यूज़र नेम में आप ये चेक कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन। इसका आपके लिए इतना ही, इसके लिए जानना काफ़ी है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्विकली, नेम्ड रोड्स क्या होते हैं। नेम्ड रोड्स के लिए आप एज यूज़ करते हैं, और नेम्ड रोड्स का हमें फ़ायदा होता है कि जब हम यूआरएल एक्सेस करना चाह रहे हैं अपने कंट्रोलर में या व्यू में, तो हम डायरेक्ट उसका रोड कैड के साथ या रोड हेल्पर फंक्शन के साथ उसका जस्ट वो नाम देते हैं, तो उसका रूट जो है वो खुद बहुत डिफाइन कर लेता है। जैसे मैं यहाँ पे इसकी एग्जांपल इसलिए नहीं दे सकता कि अभी मैंने कंट्रोलर्स नहीं बनाए, तो जब हम कंट्रोलर्स बनाएंगे तो उसमें मैं आपको, और स्पेशली व्यूज़ बनाएंगे, व्यूज़ चूँकि हमने इसमें बनाने नहीं हैं तो आई डोंट थिंक सो वी नीड टू रिक्वायर के, लेकिन चले जब मैं बनाऊँगा तो मैं आपको कंट्रोलर में दिखा दूँगा एग्जाम्पल। यहाँ पर आप सिंपल ये एग्जाम्पल देखें, आप गेट प्रोफाइल एक यू आर एल है हमारे पास, उसको हमने कर दिया कि एज प्रोफाइल, और फिर हमने उसके अंदर एक क्लोजर फंक्शन डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब अगर हम इसको गेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये यू आर एल इक्वल टू रूट प्रोफाइल लिखा हुआ है। चलिए मैं अब इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं web.php में यहाँ पे इसको पेस्ट करके यहाँ पे मैं यू आर एल इज इक्वल टू रूट इनटू प्रोफाइल और यहाँ पे देखो या रिटर्न URL कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, ये मेरे पास है प्रोफाइल, मैंने इसको रन किया तो सॉरी अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगाना भूल गया अक्सर। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास कंप्लीट URL रिटर्न हो रही है, जो भी URL बनती है इसकी, और जैसी भी आपने डिफ़ाइन की हुई है वो इस तरीके से उसको, अब ये नेम आप यूज़ करें, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं जैसे यूज़र प्रोफाइल। ठीक है, अब आप कॉल करेंगे यूज़र प्रोफाइल को, जबकि जैसे आपने कहा कॉल यूज़र प्रोफाइल तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि कौन सी URL हमने कॉल की है, इज़ बाई गिविंग दिस नेम और राउट का हेल्पर फंक्शन इसके यूज। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल कि एज के साथ आप डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये यहाँ पे आके क्लोज हो रही है, ये जहन में रखिएगा, इसको साथ ही यहाँ पे क्लोज नहीं करना आपने। तो ये हमारे पास होते हैं नेम्ड रूट्स, और इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सिंपल क्लोजर के लिए है, और अगर आप उसको यूज़ करना चाह रहे हैं उसके साथ कंट्रोलर के साथ, तो फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दो पैरामीटर देंगे, फिर वो कर्ली ब्रैकेट्स, ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसकी यूज़ ख़त्म हो जाएगा। हम लिखेंगे दो पैरामीटर कौन कौन से, एज प्रोफाइल और कॉमा के बाद लिख देंगे यूजर्स, जो भी कंट्रोलर उसका मेथड है, जैसे हमने लारावेल 5.4 में देखा था। तो ये था हमारे पास नेम्ड राउट्स। फिर इसके बाद हम राउट ग्रुप्स डिफाइन कर सकते हैं। ग्रुप्स बेसिकली किस मकसद के लिए होते हैं, सपोज आप एक ही जैसी URLs को एक ही टाइप की ऑथोराइजेशन देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप मिडलवेयर यूज़ करते हैं। मिडलवेयर अभी चूंकि हमने डिस्कस नहीं किया इस सीरीज़ में, अब मैं लारावेल 5.4 की सीरीज़ में डिस्कस कर चुका हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसकी सीरीज़ देख सकते हैं। तो यहाँ पे चूंकि अभी हमने राउट ग्रुप्स में मिडलवेयर को डिफाइन नहीं किया, इसलिए मैं इस एग्जांपल को छोड़ देता हूँ। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं नेम स्पेस की, राउट प्रीफिक्सेस और नेम स्पेसेस। बेसिकली नेम स्पेसेस क्या होते हैं, नेम स्पेसेस ये होता है कि आप जब
कोई भी डिफाइन करते हैं पाथ, किसी कोई कंट्रोलर बनाते हैं तो उसके अंदर एक ऊपर कीवर्ड यूज़ करते हैं नेम स्पेस, वो बताते हैं कि किस फोल्डर में है। अगर आपको नेम स्पेस के बारे में नहीं पता है और इसका यूजेज नहीं पता, तो आप मेरे इसके लिए मेरे वीडियो सीरीज़ जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन PHP, वो भी उर्दू और हिंदी ज़ुबान में, आप उसको देख सकते हैं। उसमें नेम स्पेसेस का पूरा एक पूरी एक मतलब आप कह लो कि एक वीडियो है जो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा कि ग्रुप एडमिन, अब इसमें क्या होगा कि वो हमेशा लुक करेगा ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर के अंदर एडमिन में जाएगा तो उस नेम स्पेस को यूज़ करेगा। मैं यहाँ पे अब इसके ग्रुप के अंदर आप दूसरा ग्रुप भी डिफाइन कर सकते हैं एडमिन के अंदर यूज़र, मतलब फोल्डर स्ट्रक्चर पे बेसिकली ये आपके बहुत हैविली डिपेंड करता है। आपका जो समझ लें कि आपका जो एडमिन का जो ऐप का फोल्डर स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे है हमारे पास HTTP की ऐप के अंदर, HTTP के अंदर कंट्रोलर है, ये बेसिक हमारा ऐप है। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल में देखें तो हमने यहाँ पे ऐप कंट्रोलर HTTP और कंट्रोलर नेम स्पेस दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक का पाथ वन है। आगे हमारे पास ये कंट्रोलर है .php और ये अगर हम यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर एक फोल्डर बनाया हुआ है, न्यू फोल्डर बना लेते हैं एडमिन का, अगर इसके अंदर हमने कोई कंट्रोलर बनाया है, मैं इसको सेव एज कर लेता हूँ एडमिन के अंदर और इसको यूज़र कंट्रोलर कह देता हूँ कि ये एडमिन यूज़र कंट्रोलर है और यहाँ पे अब मैं इसको यूज़र कंट्रोलर कह देता हूँ यूज़र कंट्रोलर। अब ये जो कंट्रोलर है ये जो डिफाइन हुआ है ऐप अंडर सो नेम स्पेस इसका कंट्रोलर्स के अंदर एडमिन है, सो स्लैश एडमिन है, तो ये हमारा इस तरीके से इसका नेम स्पेस फिर चेंज हो जाता है। बेसिकली ये आ तो कंट्रोलर्स में ही रही है, लेकिन आप इसको एक्सेस कैसे करेंगे कंट्रोलर एक्स यूज़र कंट्रोलर को, तो यहाँ पे इस चीज़ का बयान किया गया कि यहाँ पे ये एग्जांपल दी गई है कि आप नेम स्पेस एक कीवर्ड है उसके जरिए आप बता देंगे कि एडमिन का आप रूट चूज़ कर रहे हैं। तो नेम स्पेस के लिए अनदर कॉमन यूज केस ऑफ रूट ग्रुप इज असाइनिंग द सेम PHP नेम स्पेस टू अ ग्रुप ऑफ कंट्रोलर्स, यू मे यूज द नेम स्पेस पैरामीटर इन योर ग्रुप एट्रीब्यूट। अब आप इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, चूँकि अभी हमने कंट्रोलर्स नहीं बनाए तो इसको मैं नेम स्पेसिस को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, तो दैट इज़ हार्ड टू एक्सप्लेन। इसी तरीके से रूट प्रीफिक्सेस भी हैं, रूट प्रीफिक्सेस और नेम स्पेसिस में ये डिफरेंस है कि ये जो है नेम स्पेस एडमिन का मतलब है कि अगर आपने एक यूज़र को एक्सेस किया है, यूज़र को एक्सेस किया है कंट्रोलर को, तो यहाँ पर आपने सिंपल यूज़र लिखा है तो वो खुद बहुत एडमिन के अंदर यूज़र कंट्रोलर, जैसे अभी हमने ये यूज़र कंट्रोलर बनाया, कहाँ पे बनाया इसको हमने एडमिन के अंदर यूज़र कंट्रोलर बनाया ना, तो अगर हम यहाँ पे ये रूट डिफाइन करेंगे ऐसे, मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, अब यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ राउटर गेट यूज़र स्लैश कॉमा यूज़र कंट्रोलर एट इंडेक्स, तो ये अब मैंने यहाँ पे स्लैश एडमिन जो नेम स्पेस नहीं डिफाइन किया बल्कि मैंने सिंपल यूज़र लिखा है कि जब मैं इस स्लैश यूज़र को एक्सेस करूं तो ये ऑटोमेटिकली ये यूज़र कंट्रोलर जो है ये कौन सा यूज़र कंट्रोलर एक्सेस करे जो एडमिन फोल्डर के अंदर है, क्योंकि यहाँ पे हमने डिफाइन किया नेम स्पेस एडमिन, तो यहाँ पे वो कंट्रोलर्स के बाद एडमिन में चला जाएगा। ये देख सकते हैं हम यहाँ पे एग्जांपल भी दी गई है। तो अब ये जो यूज़र कंट्रोलर है ये यूज़र कंट्रोलर डिफरेंट है इस यूज़र कंट्रोलर से जो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे इस ये यूज़र कंट्रोलर अब कौन सा वाला है, ये वाला एडमिन से बाहर कंट्रोलर पे या इस लेवल पे कंट्रोलर्स फोल्डर के लेवल पे, और जबकि ये है एडमिन है, ये हमारे पास एडमिन है। जब एडमिन का यूज़र कंट्रोलर और एड इंडेक्स कॉल करेंगे तो इसमें ये अब एडमिन के अंदर जाके इस यूज़र कंट्रोलर को एक्सेस करेगा, ना कि इस कंट्रोलर को, जैसे एग्जांपल है कंट्रोलर है यहाँ पे नाम उसका, या हम इसको रीनेम कर लेते हैं यूज़र कंट्रोलर, ठीक है, मैं इसको रीनेम कर देता हूँ फिलहाल यूज़र कंट्रोलर, और यहाँ पे मैं एक क्विकली पब्लिक फंक्शन, एक्चुअली अभी हम चुके ये देख नहीं रहे, हेलो रिटर्न हेलो यूज़र, कंट्रोलर्स पे अभी हम आए नहीं है तो इसलिए मैं इसको क्विकली यहाँ पे समझा देता हूँ, हेलो यूज़र, और यहाँ पे अब हमने एक और पब्लिक फंक्शन इंडेक्स रिटर्न हेलो एडमिन, हमने ये सिंपल कंट्रोलर्स स्लैश एडमिन, आई एम श्योर एवरीथिंग इज करेक्ट, हेलो यूज़र रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अब हम URL पे जाते हैं, अगर मैंने यहाँ पे रूट पे देख लूँ, मैं यहाँ पे भी यूज़र है और यहाँ पे एडमिन है, ठीक है, मैं यहाँ पे यूज़र को एक्सेस करता हूँ,
डज नॉट एक्सिस्ट, आई थिंक मैंने ये रिपीट तो नहीं कर दिया, जो हाँ ये दो दफ़ा हो गया, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, तो इसको भी ख़त्म कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। गेट यूज़र हमने लिखा, मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, ऐप HTTP कंट्रोलर डज नॉट एग्जिस्ट, ओ सॉरी यूज़र कंट्रोलर मैंने दे दिया, एक क्लास का नेम चेंज किया, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो अब ये ठीक हो गया, हेलो यूज़र। अब मैं इस पर लिखता हूँ एडमिन, तो क्लास तो इसके लिए हम यहाँ पे एडमिन नहीं लिखेंगे, सॉरी ये कंट्रोलर ही लिखेंगे। तो यहाँ पे एडमिन controllers admin user controller does not exist admin slash user controller does exist user controller। अब वो कह रहा है क्लास के अंदर कंट्रोलर के अंदर एडमिन के अंदर, एक मिनट मैं इसको ऑप्टिमाइज की कमांड इसमें कंपोजर डंप ऑटो लोड कर लेते हैं इसको। अब मैं वेट अ मिनट, ये यहाँ पे एडमिन यूज़र कंट्रोलर एट द रेट इंडेक्स, तो नेम्स पे तो हमारे पास एडमिन है, राउटर है ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। अब यह कह रहे क्लास के अंदर कंट्रोलर के अंदर एडमिन एडमिन एंशो एडमिन सही है, एडमिन ही है, तो एडमिन कंट्रोलर नेम स्पेस एडमिन है, राउटर गेट यूजर कंट्रोलर, अगर मैं इसको एडमिन कंट्रोलर कह देता हूँ और इसको रीनेम करता हूँ मैं एडमिन कंट्रोलर में, और यहाँ पे भी हमें एडमिन कंट्रोलर करना पड़ेगा। तो अब वो कह रहा है एडमिन कंट्रोलर डज नॉट एग्जिस्ट, कॉपी मेबी कंट्रोलर नेम स्पेस, हाँ तो ये नेम स्पेस हमारे पास एडमिन है, और यहाँ पे यूज ऐप डैश HTTP डैश कंट्रोलर डैश कंट्रोलर, आई थिंक ये हमने यूज़ करना होता है इसमें। तो अब हमारे पास वो हेलो एडमिन लिखा हुआ आ गया, क्यों थोड़ा मिस्टेक हो रही थी कि यहाँ पे हमें नेम स्पेस तो इसकी यही देनी थी, लेकिन हमने यहाँ पे उसको डिफाइन करना था कि हमारे पास जो ऐप HTTP कंट्रोलर्स के अंदर कंट्रोलर है हम उसी को यूज़ करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे यूज़ हमने दिया इस कंट्रोलर का पाथ, जो कंट्रोलर डॉट PHP फाइल है कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर, तो एडमिन कंट्रोलर अब उससे एक्सटेंड होगा। तो अब हमारे पास हमें ये फ़ायदा हो गया इसकी नेम स्पेस की वजह से, कि नेम स्पेस हमें यहाँ पे अब एडमिन लिखा से ऊपर मैंने एडमिन कंट्रोलर लिख दिया, अब जहाँ पे हम इसको यूज़र कंट्रोलर भी कर सकता हूँ, यूज़र कंट्रोलर इसको रीनेम किया, यूज़र कंट्रोलर किया इसको भी यूज़र कंट्रोलर किया, रन किया इसको, तो आप देख सकते हैं हेलो एडमिन लिखा हुआ आ रहा है ऑटोमेटिकली, यहाँ पे भी यूज़र कंट्रोलर है। तो ये हम इस तरीके से नेम स्पेस को यूज़ करते हुए हम बता सकते हैं कि कौन सा हमने एक्सेस करना है। अब ये वाला नेम जो ये डिफरेंट होना चाहिए, URL डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि ये सेम होगी तो प्रॉब्लम होगा, उसको समझ नहीं आएगी कि कौन सा हम नेम स्पेस वाला कर रहे हैं यूज़र क्या। तो ये बेसिकली हमारे पास एडमिन है, लेकिन कंट्रोलर इसका सेम है कंट्रोलर। अब आप फर्दर इसको ग्रुप के अंदर ग्रुप के अंदर ग्रुप बनाते जाएंगे, तो एडमिन के अंदर यूज़र का फोल्डर, तो ये एक स्टोरी चलती रहेगी। तो आई एम श्योर आपको समझ आ गई होगी कि नेम स्पेस क्या होता है। इसी तरीके से प्रीफिक्स हमारे पास, अब चूँकि कंट्रोलर हमने बना लिया तो चलिए प्रीफिक्स की भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो प्रीफिक्स राउट प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, कि द प्रीफिक्स ग्रुप एट्रीब्यूट में बी यूज्ड टू प्रीफिक्स ईच राउट इन द ग्रुप। अब अभी हमने बात की थी कंट्रोलर्स की, ये जो नेम स्पेस यूज़ करते हैं कंट्रोलर को, लेकिन सपोज हम सिर्फ एडमिन के अंदर मौजूद सारे कंट्रोलर्स को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो बार बार हमें लिखना पड़ेगा एडमिन स्लैश एडमिन स्लैश एडमिन स्लैश दिस 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 दिस। तो हम क्या करते हैं कि उसके लिए हम ग्रुप जो बना देते हैं राउट ग्रुप, और यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं प्रीफिक्स, प्रीफिक्स कीवर्ड है इसका। तो यहाँ पे इस तरीके से हम प्रीफिक्स बना देते हैं, ये हमारे पास अब प्रीफिक्स बन गया एडमिन, ठीक है। अब इस URL को अगर सपोज मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, और अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ। तो अब हमने क्या किया, ग्रुप बना दिया प्रीफिक्स एडमिन को, और फंक्शन हमने यूज़ किया राउटर, ये आप मैंने बता दिया कि शुरू में ये किस लिए होता है। तो अब राउटर गेट यूज़र्स, अब ये हम कैसे, ये वाला यूज़र्स
ये वाला यूजर हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। जस्ट सपोज मैं इसको यूजर कर देता हूँ, ये यूजर हो गया हमारे पास। अब दो यूजर हैं, ये यूजर है और एक ये यूजर है, लेकिन इसमें और इसमें अब एक डिफरेंस है कि ए वाला यूजर हम सिंपल स्लैश यूजर लिख के एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इस यूजर को एक्सेस करने के लिए हमें पहले एडमिन लिखना पड़ेगा। सो रिटर्न आई एम एन एनोनिमस यूजर, ये मैसेज रिटर्न होगा जब हम एडमिन स्लैश यूजर लिखेंगे। ठीक है, मैं इसको चेक करवाता हूँ आपको। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ यूज़र सिंपल, तो हेलो यूज़र लिखा हुआ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडमिन स्लैश यूज़र, तो आई एम एनोनियस यूज़र लिखा हुआ हमारे पास आ गया। वो किस क्यों? क्योंकि अब हमने प्रीफिक्स ले लिया। अब इसके अंदर आप जितने भी रूट डिफाइन करेंगे, प्रोफाइल कह रहे, प्रोफाइल हमारे पास डिफाइन थी पहले, जैसे आई एम एनोनियस प्रोफाइल, तो अब ये प्रोफाइल जो है हमारे पास, ये कैसे एक्सेस होगी? एडमिन स्लैश प्रोफाइल से, राइट? तो ये होता है प्रीफिक्स और नेम स्पेसिस। अब इसके बाद हमने नेम स्पेसिस को भी देख लिया, और मिडलवेयर को हम बाद में देखेंगे जब हम आएंगे मिडलवेयर पे, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल होगा। तो यहाँ तक हमने सारा डिस्कस कर लिया, बेसिक राउटिंग क्या होती है, फिर उसके बाद नेम्ड राउटिंग के बेसिक राउटिंग के अंदर हमने फिर देखा कैसे हम वेरिएबल पैरामीटर्स, रिक्वायर्ड पैरामीटर्स और ऑप्शनल पैरामीटर्स दे सकते हैं यूजिंग स्क्वेयर ब्रैकेट्स। हम ऑप्शनल पैरामीटर विदाउट स्क्वेयर ब्रैकेट्स हम रिक्वायर्ड पैरामीटर्स दे सकते हैं। फिर हमने देखा कि नेम स्पेस देने से हमें ग्रुप, जब हम ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुपिंग हम तीन तरीकों से कर सकते हैं, ग्रुप मिडलवेयर के थ्रू कर सकते हैं, ग्रुप नेम स्पेस के थ्रू कर सकते हैं, ग्रुपिंग जो है वो प्रीफिक्स के साथ भी कर सकते हैं। अब हमने जो ग्रुपिंग करनी है मिडलवेयर के थ्रू, वो हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे कैसे हम मिडलवेयर को यूज़ करते हुए ग्रुपिंग कर सकते हैं राउट्स को, और वो सारे राउट उस मिडलवेयर पे काम करेंगे। तो ये था हमारा आज का बेसिक राउटिंग का, और इसकी आई एम श्योर आपको समझ आ गई होगी कि कैसे हम राउटिंग करते हैं ल्यूमन के अंदर। सेम इसके लिए राउटर ऑब्जेक्ट यूज़ होता है, बाकी सारी फंक्शनैलिटी अगर ये आपको यहाँ पर समझ आ गया है, तो लारावेल 5.4 में भी ऐसे ही है, लारावेल 5.5 में भी ये ऐसे ही है राउटिंग। सिर्फ फर्क क्या है उसमें, उसमें यहाँ पे राउटर ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि राउटर की राउट क्लास यूज़ होती है, यहाँ पे राउटर यूज़ होता है ऑब्जेक्ट, ये फ़र्क है, दैट्स इट। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने सीखा कि बेसिक राउटिंग ह्यूमन 5.5 के अंदर कैसे काम करती है, कुछ एग्जांपल्स देखी। यहाँ पे मैंने कंट्रोलर भी बनाया, दो कंट्रोलर बनाए, एक एग्जांपल कंट्रोलर था और एक हमने एडमिन फोल्डर के अंदर कंट्रोलर बनाया। तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम मिडलवेयर्स पे बात करेंगे, और फिर मिडलवेयर्स के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, और वो रिक्वायरमेंट्स कौन से फोल्डर में होती हैं, कैसे हम उनको इनेबल करते हैं, कैसे डिसेबल करते हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे। क्योंकि ल्यूमन के अंदर लॉट्स ऑफ थिंग्स आर डिसेबल्ड बाय डिफॉल्ट, एंड यू डू नीड टू इनेबल देम टू मेक इट वर्क। और उसके अलावा हम देखेंगे, अगर टाइम बचा कल नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, तो हम उसको डेफिनेटली डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी भी देखेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर बींग विद मी टिल एंड। आई एम श्योर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि इसको लाइक ज़रूर कीजिए, और अपने वैल्यूएबल कमेंट से ज़रूर आगा कीजिए। अगर मुझसे कोई मिस्टेक होगी, एंड यू नो मोर देन मी, आई नेवर से, मैं कभी नहीं कहता कि मुझे सब कुछ पता है, मेरे से भी अच्छे डिवेलपर प्रोग्रामर्स मौजूद हैं। अगर आपको ऐसे लगे कि मैंने कोई चीज़ मिस किया है या मिस इंटरप्रेट किया या मिस गाइडेड है, तो प्लीज़ उसको फॉरगिव करें, और मुझे कमेंट्स में उसको ज़रूर रिकमेंड करें कि भाई ये चीज़ होती है, एंड आई विल डू रिस्पेक्ट योर कमेंट्स। आई ऑलवेज रिस्पेक्ट ऑल ऑफ माई फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, एंड दोज हु ऑल्सो लाइक माई वीडियो। सो थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।